वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारे तीन लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेसन था हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, और दूसरा हमारा जो चैप्टर था वो था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी प्रकार से जो हमने अभी कंप्लीट किया थर्ड नंबर लेसन, वो था हमारा विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित। अब इस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट लेसन बचा हुआ है, लेसन नंबर फोर। और इस लेसन का जो नेम है वो है विद्युत धारिता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मेनली इसमें दो प्रकार के टॉपिक ब्रॉडली पढ़ोगे। आप इसमें ब्रॉडली आप कितने प्रकार के टॉपिक पढ़ोगे, दो प्रकार के आप सेक्शन मान सकते हो। इसके अंदर जो पहला सेक्शन होगा वो हमारा संबंधित होगा परावैद्युत पदार्थों के साथ। किसके साथ संबंधित होगा? परावैद्युत पदार्थों के साथ। उसी प्रकार से जो हमारा सेक्शन नंबर सेकंड होगा, उस सेक्शन में हम लोग धारिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस और संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में। तो ये हमारे अलग अलग दो सेक्शन हैं इस चैप्टर के। इतने दो सेक्शंस में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा इसमें जो रहने वाला है सेक्शन वो कौन सा है, परावैद्युत पदार्थों का। और दूसरा नंबर जो हमारा सेक्शन है वो रहने वाला है धारिता की अवधारणा और संधारित्र। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सेक्शन जो फर्स्ट है परावैद्युत पदार्थ, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सेक्शन फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कि हमारे परावैद्युत पदार्थ क्या चीज होते हैं, कौन से पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है भाई, अब अपने को ये समझना है कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। तो इनकी जो परिभाषा इनकी इस प्रकार से है कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ना तो चालक होते हैं और ना ही क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब ये दोनों के जैसा व्यवहार कर सकते हैं, चालक की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। किसकी भांति व्यवहार कर सकते हैं? चालक, और ये कुचालक की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। ये जो है हमारा जो व्यवहार है इनका परावैद्युत पदार्थों का, ये चालक का और कुचालक का, ये निर्भर कर रहा है कि हम लोग इस परावैद्युत पदार्थ के ऊपर बाहर से कितना विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, कितना विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है, कितना विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। आप लोग इसको आप ऐसे समझें पिक्चर की हेल्प से। मान लो कि आपके पास कुछ इस प्रकार से कोई एक मटेरियल है। क्या चीज़ है आपके पास? कोई एक मटेरियल है। अब इस मटेरियल के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के साथ बाउंड होंगे, एक दूसरे के साथ बंधे हुए होंगे। जैसे ये प्लस है तो इसके साथ ये माइनस बंधा होगा, तो इसका एक अणु कंप्लीट हो गया। दूसरे अणु में भी एक प्लस और एक माइनस, दूसरा अणु, फिर तीसरे अणु में एक प्लस एक माइनस। इस प्रकार से ये अणुओं से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है ना बात। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस पर क्या कर देता हूँ, आरोपित कर देता हूँ। अब विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो प्लस चार्ज का स्रोत होना चाहिए और उसके विपरीत साइड में एक माइनस चार्ज का सोर्स होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि प्लस से माइनस हम लोगों ने इस पर क्या अप्लाई कर दिया, एक विद्युत
क्षेत्र अप्लाई कर दिया। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश पड़ा हुआ है तो वो बल अनुभव करता है और उस पर लगने वाला बल होता है क्यू इंटू ई, इतना बल होता है। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला जो बल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये जो इनके अंदर अणु हैं, इस पदार्थ के अंदर अणु हैं, उन अणुओं का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो इधर साइड फोर्स लगेगा, सपोज दैट कितना लग रहा है, प्लस क्यू इंटू ई, और जो माइनस चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन है इन पर इस साइड फोर्स लग रहा है माइनस क्यू इंटू ई। तो क्या होगा, इसके कारण इसकी ज्यामिति या इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। शेप परिवर्तित होने का मतलब ये है कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो तो इधर साइड चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव की साइड में लग रहा है, तो इधर साइड इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर साइड इसका कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इधर साइड इसका कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो अब देखो क्या होगा, इधर साइड इसका प्लस आ गया, इधर साइड इस पदार्थ में माइनस आ गया, तो इस पदार्थ के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा पदार्थ के प्लस चार्ज से लेके माइनस चार्ज की तरफ, जिसको हम लोग ई पी से बोलेंगे, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रेरित विद्युत क्षेत्र इसको कहा जाता है, कौन सा विद्युत क्षेत्र कहा जाता है इसको, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब हमने क्या किया, एक पदार्थ लिया, ये पराविद्युत पदार्थ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने इस पर नहीं लगाया था तब ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा था, हमारे पास कुचालक की भांति व्यवहार कर रहा था। क्यों कुचालक की भांति, क्योंकि इसके जो प्लस और माइनस थे वो अणुओं के अंदर एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, मतलब वो बाउंड थे, ठीक है बात है, और गति करने के लिए फ्री नहीं थे। तो कौन सी नेचर हुई इनकी, कुचालक नेचर। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, विद्युत क्षेत्र को लगाया, तो इसके जो प्लस चार्ज थे वो तो माइनस प्लेट की ओर चले गए, और जो माइनस चार्ज थे वो कौन सी प्लेट की तरफ आ गए, प्लस प्लेट की तरफ आ गए। तो इसमें क्या हुआ, एक इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो गया, मतलब इसके अंदर आवेश अलग अलग हो गए, प्लस अलग हो गए और माइनस अलग हो गए, मतलब आवेश गति करने लग गए, आवेश क्या करने लग गए इसके अंदर, पदार्थ के अंदर गति करने लग गए। तो विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद इसकी नेचर कैसी बन गई, हमारे पास से चालक बन गई। और विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले, जब यहाँ ये पड़ा हुआ था, विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले इसकी नेचर हमारे पास कैसी नेचर थी, कुचालक नेचर थी। तो अभी बात समझ में आ रही होगी कि यदि हमारे पास कोई एक पराविद्युत पदार्थ है तो वो पराविद्युत पदार्थ वो पदार्थ होता है जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तो किसकी भांति व्यवहार करता है, चालक की भांति, और विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना बात। तो पराविद्युत पदार्थों की परिभाषा हम लोग ये लिखेंगे कि पराविद्युत पदार्थ चालक भी हो सकते हैं, कुचालक भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो ये बनेगा कि वो पदार्थ जो बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो चालक की भांति व्यवहार करें, और बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसकी भांति व्यवहार करें, कुचालक की भांति व्यवहार करें, उनको कौन से पदार्थ कहते हैं हम लोग, पराविद्युत पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है बात। इसकी मैं परिभाषा यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ। वे पदार्थ जो बाहरी आरोपित विद्युत क्षेत्र, जो बाहरी आरोपित विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित सीमा की एक निश्चित सीमा के बाद चालक तथा बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुचालकों की भांति व्यवहार करें, तो उन्हें पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है, ठीक है बात। तो ये इनकी परिभाषा है, वे पदार्थ जो बाहरी आरोपित विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित सीमा के बाद चालक
तथा बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुछ अलग की भांति व्यवहार करें तो उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब इसमें देखो एक ट्विस्ट है थोड़ा सा डेफिनेशन में, बाहरी विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित सीमा के बाद, निश्चित सीमा का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये मेरे पास एक मटेरियल था, परावैद्युत पदार्थ था, मैंने इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा, किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुछ अलग की भांति, स्पष्ट बात है। लेकिन मैंने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया, सपोज दैट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास 2 वोल्ट पर मीटर का, 2 वोल्ट पर मीटर का, तो मैंने देखा कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्लस माइनस है इसके अंदर, इनके बंद तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर इसको बढ़ाया, 2 वोल्ट से कितना कर दिया, 3 वोल्ट। फिर मैंने देखा 3 वोल्ट पर भी ये प्लस माइनस के बंद नहीं टूटे, मतलब प्लस माइनस अलग अलग नहीं हुए, तो 3 वोल्ट भी काफ़ी नहीं था। उसके बाद मैंने इसको बढ़ा के डायरेक्ट कितना कर दिया, 5 वोल्ट। तो जैसे मैंने इसको 5 वोल्ट किया, ये प्लस माइनस क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और ये किसकी भांति व्यवहार करने लग गया, हमारा चालक की भांति व्यवहार करने लग गया। तो आप ये बोलोगे कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ था, ये इतने विद्युत क्षेत्र, 5 वोल्ट पर मीटर, इतनी एक इसकी निश्चित सीमा है, 5 वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, चालक, और इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये क्या होगा, हमारे लिए कुचालक होगा। 5 वोल्ट एक निश्चित सीमा हमने क्या कर दी, तय कर दी। तो यही मैंने लिखा है कि जो बाहरी विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित सीमा के बाद तो क्या हूँ, चालक हूँ, और बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो क्या हूँ, कुचालक हूँ, वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है विवाद, अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। हम लोग एग्जाम्पल में आप लोग देखें कि जल, क्या चीज़ है, जल, H2O, वाटर। अब ये भी क्या होता है हमारे पास, एक परावैद्युत पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ। मैं इसको क्यों परावैद्युत पदार्थ कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे होते हैं, तो तब इसके अंदर जो आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनके बीच में एक आयनिक बंध होता है, वो बंध बना रहता है। मतलब ये प्लस इस माइनस के साथ क्या होता है, बंधा हुआ होता है एक अणु के अंदर, एक अणु के अंदर। मतलब ये एक अणु है जल का, उसी प्रकार से हमारे पास अणु दूसरा है, इस प्रकार से ये वाला, इसमें भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ बंधा हुआ है। ये मेरे पास एक तीसरा अणु है, इसमें H पॉजिटिव है, वो OH नेगेटिव के साथ बंधा हुआ है, इस प्रकार से अणु नंबर सेकंड, अणु नंबर थर्ड, अणु नंबर फर्स्ट। तो मैंने इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा अभी, तो इसके प्लस और माइनस आपस में बंधे हुए हैं, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, हमारे लिए कुचालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। बट यदि मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ इस प्रकार से, प्लस 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 और ये माइनस, माइनस और माइनस, तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये तो इधर साइड आ जाएगा और ये माइनस इधर साइड चला जाएगा, क्योंकि माइनस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगता है और प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है। तो इधर साइड प्लस क्या हुई लगा, इधर साइड माइनस क्या हुई लगा, जिस कारण से ये बंद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इस पूरे अणु में गति करने के लिए क्या हो जाएंगे, हमारे लिए फ्री हो जाएंगे। इसीलिए ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, फिर चालक की भांति व्यवहार करेगा, किसकी भांति व्यवहार करेगा, चालक की भांति। तो ये जो हमारा जल है, ये जल इस परिभाषा के ऊपर खरा उतर रहा है पूरा, कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की निश्चित सीमा से पहले पहले या विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुचालक है, लेकिन जब हम लोग एक फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, उसके बाद ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाता है, हमारे लिए चालक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए हमने इसको कौन से पदार्थ की श्रेणी में रखा है, परावैद्युत पदार्थ की श्रेणी में रखा है। ठीक है बात, इसको आप लोग नोट कर लें। इसी प्रकार से इसके अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एक तो जल हो गया, दूसरा हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का परावैद्युत पदार्थ है। तीन नंबर यदि हम लोग देखें बेंजीन, तो ये बेंजीन भी परावैद्युत पदार्थ है, जिसका अणु सूत्र होता है C6H6। ठीक है बात, उसी प्रकार से ये हमारा जो पेपर है, कागज़ है, कागज़, तो ये कागज़ भी हमारे लिए क्या होता है, एक परावैद्युत पदार्थ होता है। तो ये 4-5 इसके एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग नोट कर लें।
ठीक है जी। तो ये पराविद्युत पदार्थों का क्या था, हमारा कंसेप्ट था कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है विवाद। अब आप देखें कि पराविद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसमें एक परिभाषा और बच गई, परिभाषा है कौन सी, पराविद्युत सामर्थ्य की। कौन सी परिभाषा बच गई इसमें, पराविद्युत सामर्थ्य। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि पराविद्युत सामर्थ्य क्या होती है, तो पराविद्युत सामर्थ्य इसी से निकलती है इसकी परिभाषा। देखो, पराविद्युत पदार्थों को चालक पदार्थ होने के लिए एक निश्चित सीमा का क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कोई भी पराविद्युत पदार्थ तभी चालक की तरह व्यवहार करेगा जब उसको एक फिक्स अमाउंट में विद्युत क्षेत्र को आरोपित करवाया जाए। तो हम लोग इसमें ये लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की वह न्यूनतम सीमा जहां तक पदार्थ कुचालक तथा इसके बाद चालक की तरह व्यवहार करे उसे इस पराविद्युत पदार्थ की पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ की पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है पराविद्युत सामर्थ्य का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्यों हुआ, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। इसको आप लोग कर लें, नोट कर लें। ठीक है भाई, अब हम लोग करते हैं वर्गीकरण, पराविद्युत पदार्थों का वर्गीकरण। तो पराविद्युत पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पराविद्युत पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और देखो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ओके, पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के पराविद्युत पदार्थ हैं। एक नंबर ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, कौन से, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। और सेकंड नंबर हमारे पास होते हैं कौन से, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ओके, अब हमें इनके बारे में समझना है एक एक करके कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझें कि जैसे हमने आपको ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का कंसेप्ट बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी पराविद्युत पदार्थ के ऊपर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं, तो इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इस पराविद्युत पदार्थ के जो धनात्मक आवेश केंद्र हैं और ऋणात्मक आवेश केंद्र हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे प्लस इधर साइड आ जाता है और माइनस इधर साइड आ जाता है और ऐसी शेप इसकी बन जाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये तो है इसका धनात्मक आवेश केंद्र, कौन सा केंद्र है, ये धनात्मक आवेश केंद्र। और इस प्रकार से जो ऋणात्मक आवेश जो इधर साइड आ गया सारा का सारा, ये कौन सा है, ये ऋणात्मक आवेश केंद्र है, कौन सा है, ये ऋणात्मक आवेश केंद्र। तो यहीं से क्लू मिलता है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वो पराविद्युत पदार्थ होते हैं जिन पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र परस्पर क्या हो जाएं, थोड़े दूर दूर हो जाएं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। तो वे पराविद्युत पदार्थ जिनके धनात्मक
वह ऋणात्मक आवेश केंद्र, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश केंद्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में संपाती नहीं रहते, संपाती नहीं रहते, संपाती ना रहने का मतलब दूर दूर हो जाना, संपाती नहीं रहते, उन्हें ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, उन्हें ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है बात। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जल H2O, क्योंकि जब जल पर हम लोग क्या करते हैं, ये जल का H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है, जब जल पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में क्या होगा, जो माइनस H प्लस है वो तो यहाँ आ जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जो केंद्र हैं वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, एक ही जगह पर नहीं रह पाएंगे वो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। कौन सा पदार्थ बोलते हैं? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। इसके विपरीत अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश केंद्र बाहरी विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी संपाती ही रहते हैं, वो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो वे पराविद्युत पदार्थ जिनके धनात्मक व ऋणात्मक आवेश केंद्र, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश केंद्र परस्पर संपाती ही रहें, परस्पर संपाती ही रहें, उन्हें क्या कहा जाता है, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा और फेमस एग्जाम्पल है बेंजीन। कौन सा? बेंजीन। इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इसके धनात्मक और आवेश ऋणात्मक आवेश केंद्र क्या रहते हैं, एक ही जगह पर संपाती ही रहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, बाकी और इसका बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन देखने के लिए और ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए अभी इसमें जो स्लाइड आएगी आप उसको चेक करें, उस स्लाइड में सारा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, ओके स्लाइड में आप देख चुके हो ध्रुवीय और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और इनके एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सेक्शन फर्स्ट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल भी, और पराविद्युत पदार्थों को ही कंटिन्यू करेंगे। पराविद्युत पदार्थों से संबंधित कुछ टर्म्स आएंगे, पराविद्युत पदार्थों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले आएगा ध्रुवण क्या होता है, किस चीज़ के बारे में, ध्रुवण के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ध्रुवण घनत्व क्या होता है, ध्रुवण घनत्व क्या होता है जिसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि परावैद्युत नियतांक क्या चीज़ होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर सकें एप्सिलॉन आर से या कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत प्रवृत्ति क्या चीज़ होती है, विद्युत प्रवृत्ति क्या चीज़ होती है
जिसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक सिंबल है उसको काई बोला जाता है। और पांच नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा पराविद्युत नियतांक है के, और जो विद्युत प्रवृत्ति है कौन सी, काई में संबंध, काई में संबंध। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी संभावना भी अब की बार बन रही है, ठीक है ना। तो ये पांच इसके टर्म्स हैं, इसको हम लोग संबंधित हैं पराविद्युत पदार्थों के साथ। इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करके फिर हम लोग अपना सेक्शन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, धारिता की अवधारणा और संधारित्र, ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल।